अब तक की सबसे बड़ी खबर यह सामने निकल के आ रही है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में यास तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है। अब अगले 24 घंटों के अंदर अब बिहार की बारी है और बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दी गई है यास तूफान को देखते हुए कि जिस प्रकार से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान ने जो काफ़ी तबाही मचाई है, अगला नंबर अब बिहार का आने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार में कल 8:30 बजे सुबह से लेकर 12:30 बजे तक हाई अलर्ट जारी की गई है। इस बीच में कभी भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा यानी तूफान का आना निश्चित है, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा और 180 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ हवा, काफ़ी नुकसान इससे देखने को मिलेगा। इसी के मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने पूरे बिहार भर में हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। धन्यवाद।